ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हेल्थ और हैप्पीनेस के चैनल सतीश शर्मा योगा हेल्प में। फ्रेंड्स, आज के टाइम में हमारी जीवन शैली इतनी भागदौड़ भरी हो गई है कि समय नहीं मिलता हमें कहीं पे भी अपने लिए जैसे योगा या कुछ ऐसा कर सके। तो आज मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा आपको कि अगर आप कहीं पे भी हो, ऑफिस में हो, घर में हो, कामकाज पे हो, यहाँ तक कि बस स्टॉप पे हो, हालांकि फिलहाल सिचुएशन ऐसी है नहीं कि आप बस स्टॉप पे वेट करो, एज द पैंडेमिक सिचुएशन इज देयर, कहीं पे भी हो, आप इस प्राणायाम को नहीं, इस योगा टेक्निक को करके अपनी एनर्जी को तुरंत हाई कर सकते हो, कहीं पे भी हो। इवन यू आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, लाइक ट्रेन नहीं आ रही तब तक, तो इस कुछ ऐसी टेक्निक को है कि यू कैन डू इट एंड इंस्टेंटली योर एनर्जी विल गोइंग टू बी द बूस्ट। भाई देखते हैं हाउ इट इज। और वेरी सिंपल टेक्निक है, ज्यादा कुछ करना नहीं आपको, सिर्फ अपने ब्रेथ के ऊपर और उस टेक्निक पे करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग टेक्निक करेंगे, बचपन में हम सभी ने कभी ना कभी होमवर्क वगैरह नहीं किए, मतलब क्लास टीचर से पनिशमेंट मिला था तो आप क्या बोलते थे, सॉरी टीचर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो वही करेंगे। देखिए, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ पनिशमेंट बनाई थी उसका भी एक योगा से लेना बहुत जरूरी था। जो एक ग्लैंड होते हैं ना यहाँ पे अपने ईयर के पास में, जब आप उसे खींचते हो ना तब आपका कॉन्शियस काफी एक्टिव होता है, एनर्जी लेवल जो होती है यहाँ का पिट्यूटरी ग्लैंड और ये सब, जो कि गले से ही इनफैक्ट विशुद्धि चक्र से जो कनेक्टेड होते हैं, आज्ञा चक्र हुआ, सहस्रारा, यहाँ बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, तो उसको ये बहुत ही एक्टिवेट करता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है आपको। तो फर्स्ट आपको जो ये कान है आपके, इन कानों को ऐसे नीचे वाली जो ये लड़ी है, ठीक है, इसे आपको खींचना है। कैसे बोलते हैं, मास्टर जी होमवर्क नहीं किए हो, कान खिंचाई करते थे, याद है, अब टाइम नहीं रहा, तो आपको अपने कानों को ऐसे नीचे की तरफ ऐसे खींचना है, ठीक है। यू कैन सी लाइक दिस, ये देखिए आपको ऐसे ऐसे खींचना है इस तरह से, ब्रीथिंग टेक्निक नॉर्मल होगी, आप अपने अनुसार सांस ले सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। इस तरह से अपने कानों को आप इसे बैठे हुए, खड़े हुए, जैसा ठीक लगा वैसे खींच सकते हो, राइट। उसके बाद ठीक इसी प्रकार आपको ऊपर की तरफ भी खींचना है, ऊपर वाले ईयर लिड्स को भी थोड़ा हल्के हाथों से इस तरह से ऐसे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान ऑफ कोर्स, क्योंकि अपने बचपन को याद कर लीजिए, जब खिंचाई होती थी तब तो रोना आता था, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी मुस्कान के साथ करना है इस वे, राइट। थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे, फिर से थोड़ा नीचे की तरफ, इस तरह से हमारी जो एनर्जी है, जो ब्लॉक्ड एनर्जी है चैनल में, वो तुरंत फ्लो होना चालू हो जाएगी। व्हेन यू वांट टू एनर्जाइज योर बॉडी इन ए फ्यू मिनट्स, ओके। दूसरा क्या करना है आपको, आप कानों को साइकिल कैसे चलाते हैं उस तरह से आपको बीच में पकड़ते हुए उसे इस तरह से क्लॉकवाइज करना है, राइट और लेफ्ट, आप देख सकते हो इस तरह से कानों को, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, फिर विपरीत दिशा में। बेटर यह होगा कि आप अगर इसे आंखें बंद रखते हुए फील करना अपने स्ट्रेच को, एंड यू कैन फ्ली सम, यू कैन फील सम एनर्जी ऑलरेडी स्टार्टेड फ्लोइंग, स्ट्रेस आपका कम होगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, फिर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ कानों को ऐसे हम खींच लेंगे इस तरह से, ओके। तो ये हुआ ईयर से। हमारे यहाँ पे पता है आपको बहुत सारी एनर्जी है, ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे तीन चक्राओं की एनर्जी को लेके बैठा हुआ है, क्योंकि ध्यान नहीं देता, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रारा, इन तीनों का जंक्शन पॉइंट है मेरे दोस्त। ये पूरी तरह से एनर्जी को आपके बॉडी में उसी टाइम पे फ्लो कराना चालू कर देगा। यू कैन फील सम वेरी नाइस, मतलब मन एकदम खुश हो जाएगा, इतनी सारी एनर्जी यहाँ पे है इन पॉइंट्स के ऊपर, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रारा चक्रों का जंक्शन बॉक्स इसको कह सकते हो आप, ओके। अब आते हैं हम लोग कि दूसरा क्या है। दूसरा प्राणायाम ये है कि आपको ब्रेथ के साथ में अपने बॉडी को थोड़ा एक्सरसाइज करना है, यानी कि ऐसे
आपको अपने पंजों को ऊपर की तरफ ऐसे उठाएंगे और सांस लेंगे। देखिए बता रहा हूं, यू कैन सी लाइक दिस, पंजों को उठाना है इस तरह से और एड़ी को पीछे की तरफ, पंजे एड़ी, पंजे एड़ी, पंजे एड़ी, पंजा, देखिए पंजा हो गया और फिर एड़ी, फिर पंजा एंड अगेन फिर एड़ी। अब पंजे को आपने जैसे ही ऊपर उठाया और फिर एड़ी पे आना है, पंजे एड़ी, पंजे को ऊपर उठाया, सांस अंदर लेना है, एड़ी को नीचे करते हुए सांस बाहर, पंजा ऊपर सांस अंदर एड़ी बाहर, इस तरह से करना है आपको। आप देख सकते हो जब मैं पंजे को उठा रहा हूं तो सांस ले रहा हूं इस तरह से पंजा, और फिर जब एड़ी पे आना है तो सांस बाहर, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, सांस अंदर बाहर, सांस अंदर बाहर। सामने से दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए सांस अंदर और फिर बाहर, इस तरह से हमें करना है। आपके जो काफ्स है ना, काफ्स, काफ्स की मांसपेशियां बहुत ही यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगी, जो कि सीधे जाके हिप्स के पास जुड़ती है, तो काफ्स के मसल, हिप्स, ये सब टोटली कमर से नीचे का हिस्सा आपका पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, एंड यू कैन फील सम एनर्जी विल गोइंग टू फ्लो इन योर बॉडी, नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा का पूरा संचार हो जाएगा, इस तरह से भी देख सकते हो। बहुत इजी टेक्निक है, आप इसे कहीं पे भी खड़े हो, बस स्टॉप पे हो, ऑफिस में हो, ट्रेन का वेट कर रहे हो, कहीं पे भी हो, ये कहीं पे भी किया जा सकता है और बहुत ही इजी टेक्निक है, इट्स अ वेरी इजी टेक्निक। पंजा और एड़ी, पंजे के ऊपर बॉडी को लेके जाना है और फिर पीछे की तरफ एड़ी की तरफ, जब हम पंजे पे ले रहे हैं तो सांस अंदर और एड़ी की तरफ सांस बाहर। सामने से बता देता हूं मैं, देख लीजिए पंजे पे आया, सांस अंदर एड़ी सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर, ये हुआ आपका दो टेक्निक। अगर ये दो टेक्निक आप कहीं पे भी कर सकते हो, आई मीन टू से एनीवेयर, यू आर इन द ऑफिस, यू आर आउट, यू आर एट एनी प्लेस, एंड व्हेनेवर यू फील देयर इज अ लैक ऑफ एनर्जी गोइंग ऑन इन योर बॉडी, शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी है, ठीक उसी समय टिंग टोंग टिंग टोंग ये करना नहीं भूलो, ठीक है। ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ टिंग टोंग, बट इट्स अ रियल, इट वर्क लाइक ए टिंग टोंग, मतलब इंस्टेंटली एनर्जी, आप तुरंत माइंड स्ट्रेस हो गया, नेगेटिविटी से घिर गया, इमोशंस बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, क्या करूं, ये करने के बाद ये करो और रिलैक्स हो जाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक है बैठ के, अगर जगह मिला तो ठीक है, नहीं तो आप यहीं पे इसको वाइंड अप कर सकते हैं। आइए बैठ के करते हैं बटरफ्लाई, बटरफ्लाई पोज लास्ट। ये आपको एक्चुअली घर में करना होगा क्योंकि बाहर नहीं कर सकते, तो मेरा सजेशन है जब आप ऑफिस के लिए जाते हो सुबह उठ के, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपने ये सब किया, अपने बॉडी को, वेट को उसके ऊपर आपने बैलेंस किया, और देन यू कैन डू दिस बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, और घर से जाते ही पूरे दिन भर एनर्जी बहुत हाई रहेगी। देखिए कैसे करना है, इस तरह से पैरों को आपको फैला लेना है, फिर इन दोनों को इस तरह से ऐसे जोड़ते हुए जितना हो सके अपने बॉडी के पास लेके आना है आपको इसको, ठीक है, और इसको हम दोनों हाथों से इंटरलॉक कर देंगे, एंड देन स्टार्ट फ्लाइंग लाइक दिस, मतलब सुबह जब आप उठ रहे हो, उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, यू कैन डू ऑल दिस एक्सरसाइज, ये एक तरह से फ्यूल भरेगा आपके शरीर के अंदर, आपके बॉडी के अंदर ऊर्जा, और जो ऊर्जा आ रही है वो तो भाई कमाल की होगी, यू कैन फील, आप इसे समझ सकते हो करने के बाद जब आप करोगे। तो इस तरह से आपको करना है, जितना हो सके उतना फ्लाय, आंखें बंद रखते हुए इस एनर्जी को बिल्कुल महसूस करना है, वेरी काम एंड कंपोज, और जितना हो सके उतना पूरे ध्यान को अपने इस मोमेंट पे लेके जाना है जो पैरों को आप ऊपर नीचे कर रहे हो। ये भरपूर एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी आपके बॉडी में 10 मिनट के अंदर डाल देगी, जो किसी भी चीज में नहीं मिलेगी,
सो यू कैन फील लाइक दिस एंड डू इट. यहाँ पे ब्रेथ आपको नॉर्मल रखना है. थोड़ा फास्ट कर सकते हो आप, लिटिल बिट ऑफ फास्ट. पूरा ध्यान फ्लाइंग मोड पे एंड देन रिलैक्स. तो ऐसे आप थोड़ा फास्ट थोड़ा स्लो तीन सेट अप कर सकते हो. अब प्रश्न ये है कि ये करना कभी है, कब करना है. तो दिस इज वेरी मच एक्टिव प्रोसेस व्हेन यू विल डू इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग टाइम में अगर आप इसे करोगे तो इसका पूरा एनर्जी जो रहेगा दिन भर आपके बॉडी के अंदर रहेगा. शरीर के अंदर कोई तनाव नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं आएगा. अगर कोई तनाव या टेंशन आता है, कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है क्योंकि सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, बट उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की जो ताकत है, जो क्षमता है, जो शरीर के अंदर जो एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी आपको इस प्राणायाम से, इस योगा टेक्निक से बहुत जल्दी मिल जाएगा. तो एनर्जाइज योर बॉडी, मेक सो मच फुल ऑफ एनर्जी कि जितनी चाहे प्रॉब्लम आ जाए उसे सॉल्व करने की ताकत क्षमता हमारे शरीर के अंदर होनी चाहिए. और इस टेक्निक से डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ बेनिफिट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी लविंग मैन चैनल एंड ऑल दिस डे. जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद. अपना ख्याल रखिए और पूरे समाज को भी स्वस्थ बनने में मदद कीजिए बाय शेयरिंग दिस वीडियो. थैंक यू सी यू.